हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास है। चैप्टर चल रहा है हेलोइकेंस एंड हेलोरीन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में और हमने एक प्रिपरेशन पढ़ी थी हेलोइकेन की फ्रॉम एल्कोहल। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलोइकेन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन चल रही है। और पहली प्रिपरेशन इसकी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रॉम एल्कोहल्स, कि हम एल्कोहल्स से बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें एक प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल को ट्रीट कराकर विद हेलोजन एसिड्स। ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड रिएक्शन। ठीक है, कि अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड रिएक्शन इसमें आती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, कि अल्कोहल से हमें हेलोइलगेन बनाना है। हेलोइलगेन का जनरल फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, R बॉन्ड X, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोइलगेन। तो RX बनाना है हमें फास्फोरस के हैलाइड से। देखो, फास्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं, P ब्लॉक में भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है PCl3 और एक होता है PCl5। PCl3 का मतलब क्या है, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, PCl3 जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है बेसिकली, और जो PCl5 है ये एक येलोइश या येलो कलर का क्या होता है, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फास्फोरस के हैलाइड्स को ट्रीट कराएंगे इसके साथ, अल्कोहल के साथ, और बनाएंगे हेलो एल्केन। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद, पहले ले लेते हैं सपोज हमने ले लिया PCl5। ठीक है, देखो हमें बनाना क्या है, R बॉन्ड X वही होगा जैसे इससे पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वही है, कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो R बॉन्ड X यानी हेलोजन हो गया क्लोरीन, तो हेलोइलगेन इस बार बनेगा क्लोरोइलगेन। ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट में निकलेगा इसमें POCl3 और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन 5 अदर निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मेट कि हम अल्कोहल को ट्रीट कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और हेलोइलगेन जो है वो बनेगा स्पेशली क्लोरोइलगेन। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या है ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो ये इसका फॉर्मेट है। अब क्योंकि हेलोइलकेन बनेगा क्लोरोइलकेन, क्योंकि हेलोजन इसमें क्या है क्लोरीन एटम है, तो कौन सा बनेगा हमेशा क्लोरोइलकेन बनेगा। समझ आ गया, ये बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे इसमें। ऐसे ही हम रिएक्शन करा सकते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल होता है कार्बन डबल सबको पता है विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये भी वही रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। वैसे तो ये जो रिएक्शन चल रही है ये रिएक्शन सेकंड चैप्टर में रिपीट हो जाएंगी, किस नाम से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उस नाम से आगे आएगी। तो वहां पे उस नाम से होंगी और यहां पर क्या है प्रिपरेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है कि किसी कोई रिएक्शन जो है किसी की प्रिपरेशन होती है और किसी की होती है केमिकल प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन रिपीट होती है। ठीक है, तो PCl3 के साथ कराएंगे, देखो सेम फॉर्मेट है, RX X यानी हेलोजन हो जाएगा क्लोरीन, वही बनेगा क्लोरोएल्केन। अच्छा, इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा भाई H3PO3। ठीक है, क्या बनेगा H3PO3। अब फटाफट से देख लेते हैं, बैलेंस करना है, क्लोरीन 3 है तो यहाँ लग जाएगा 3 और यहाँ भी लग जाएगा 3 और ये बन गया यहाँ पे सेम क्लोरोएल्केन। और ये जो एसिड है इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। समझ आया, क्लियर हो गया।
तो बाय प्रोडक्ट तुम्हें लर्न करने हैं बेसिकली। वैसे बता देता हूँ कि इसमें बाय प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड क्यों बना है, क्योंकि जो BCL3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा रिड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो BCL5 और BCL3 में फर्क इतना है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट का फर्क है। इसमें फॉस्फोरस पे ऑक्सीडाइजेशन स्टेट आएगी +5, इसमें +3। तो फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पर जा ही चुका है +5, तो वो और इलेक्ट्रॉन लूज कर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए बाय प्रोडक्ट इसमें बनेगा फॉस्फोरस एसिड। तो रिएक्शन क्लियर है। तो एल्कोहल से हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम एल्कोहल से एक और तरीका है हेलोजन बनाने का। ये रिएक्शंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है, इनको लिखकर देखना है। ठीक है, जितनी बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएगी तुम्हें। तो एल्कोहल से एक तीसरा तरीका और भी है कि हम बना सकते हैं हेलोइल्केन। तो ऑफ कोर्स एल्कोहल को ट्रीट कराएंगे किसी चीज के साथ, जैसे पहली रिएक्शन में हमने ट्रीट कराया विद हैलोजन एसिड, दूसरी रिएक्शन में हमने ट्रीट कराया विद फास्फोरस हैलाइड्स, तीसरी है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, विद थायोनाइल क्लोराइड इसके नाम से है। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है अभी SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायो ग्रुप यानी सल्फर का ग्रुप, थायोनाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है, इट इज बेसिकली लिक्विड विच इज कलरलेस टू येलोइश। ठीक है, एक लिक्विड होता है ये, कलरलेस टू येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है। सिंपल फॉर्मेट वही, एल्कोहल लो, R बॉन्ड OH, थायोनाइल क्लोराइड ले लिया तुमने SOCl2। अच्छा, रिएक्शन को हम कैरी कराएंगे पाइरिडीन की प्रेजेंस में। पाइरिडीन एक वीक बेस होता है जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है भाई। इसको बोलते हैं पाइरिडीन, जो कि होता है एक वीक बेस। ठीक है, रिएक्शन वही है, सब कुछ सेम है, वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन बनाना है, R बॉन्ड X, R यहां से X हेलोजन आ जाएगा, क्लोरीन यहां से, तो हेलोइल्केन अगेन बन गया क्लोरोइल्केन, क्योंकि हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोरोइल्केन ही बनेगा। इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में दो गैस निकलती है प्योर, एक तो SO2 और एक HCl। ठीक है, दो गैस निकल जाएंगी, एक तो SO2 और एक HCl। अब क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो गैसेस है, तो हमारे पास प्योर क्या बन जाएगा, हेलोइल्केन। इसलिए ये सबसे बढ़िया रिएक्शन होती है अगर हम प्रैक्टिकली हेलोइल्केन बनाते हैं, क्लोरोइल्केन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, बन गया अगेन क्लोरोइल्केन इससे एल्कोहल से। अच्छा, ये एक नेम रिएक्शन भी है, नेम रिएक्शन है ये, इसको डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसको याद करना है तुम्हें, क्योंकि नेम रिएक्शन एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में, इसको डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो नेम रिएक्शन अभी तक हमने दो डिस्कस करी है, एक तो ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस क्या था, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड, इसमें वाटर हमने निकाल दिया था। ठीक है, हैलोजन एसिड HCl लिया था, एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी ले सकते हो, और कैटलिस्ट लिया था NHydroZnCl2, तभी वो एक नेम रिएक्शन बनती है, ग्रूव्स प्रोसेस। देखो, अब हमने तीन रिएक्शन पढ़ लिया एल्कोहल से, मतलब एल्कोहल से हम तीन तरीके से हेलोइल्केन बना सकते हैं, और हेलोइल्केन हमने तीनों में क्या बनाया है, क्लोरोइल्केन, क्योंकि ग्रूव्स में HCl था, डार्जन में थायोनाइल क्लोराइड, क्लोरीन आ गया अगेन, और फॉस्फोरस हैलाइड्स में है क्लोरीन। तो अब तक जो हमने हेलोइल्केन बनाया है वो सिर्फ हमने क्लोरोइल्केन बनाया है, और इन तीनों रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है, क्योंकि कन्वर्जेंस में हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो है गैस है, तो हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती बाय प्रोडक्ट को, तो ये सबसे बढ़िया रिएक्शन होती है प्रैक्टिकली जब हम इसको करते हैं। तो ये एक रिएक्शन हुई है, एक प्रिपरेशन हुई है हेलोइल्केन की, हालांकि हमने दो प्रिपरेशन पढ़ ली है। तो पहली प्रिपरेशन हेलोइल्केन की तीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, और तीसरी क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। आई होप ये रिएक्शन तुम लर्न कर लोगे। अब आगे चलते हैं, इसकी सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं।
कि हेलोइन के हम और कैसे बना सकते हैं। अब जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा क्लास 11th का रिपीट है बेसिकली, ठीक है, क्लास 11th वाली रिएक्शन आएगी सारी। तो दूसरी प्रिपरेशन आती है हेलो एल्केन्स की, इस नाम से है ये, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इस नाम से है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वही है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स, तीनों से बनाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से बनाएंगे। एल्केन से कैसे बनाएंगे भाई, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। एक तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 11th में, क्लास 11th में रिएक्शन किस नाम से होती थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो, हेलोजिनेशन कराना है डायरेक्ट। अब हेलोजिनेशन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे फास्ट फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और फिर आयोडिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन के साथ ट्रीट करना है, फ्लोरीन के साथ कराओगे तो उसको फ्लोरिनेशन कहेंगे, क्लोरीन के साथ कराओगे तो उसको क्लोरिनेशन कहेंगे, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन और आयोडीन के साथ आयोडिनेशन। अब तुम्हें बताइए हैलोजेंस है, हैलोजेंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा मेटैलिक करैक्टर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर घटता है। तो सबसे फास्ट ऑक्सीडाइजिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि फ्लोरीन है तो सबसे फास्ट होगा फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडिनेशन, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एल्केन से कैसे बनाना है, जैसे तुमने उठा लिया सपोज मीथेन, इसका मैकेनिज्म भी था क्लास 11 में। मान लो आप, हम इसमें पहले पढ़ रहे हैं क्लोरीनेशन, क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरीनेशन उठा लो, ठीक है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मिथेन लेके अपने एग्जांपल में, इसका हम करा रहे हैं क्लोरीनेशन। इसके प्रेजेंस में या तो हीट करो हाई टेम्परेचर पे या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, सबको पता है एक हाइड्रोजन निकल गया भी, उसकी जगह आ गया क्लोरीन, बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, इसमें HCl, क्या निकल गया HCl, क्या बनाइए क्लोरोमीथेन, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। हालांकि रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, अगर मान लो क्लोरीन एक्सेस में है तो एक क्लोरीन फर्दर जो है सब्स्टिट्यूशन करा देगा, यानी हाइड्रोजन निकाल देगा इसमें से, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा CH2, एक क्लोरीन था एक और आ गया तो ये हो गया CH2Cl2, बाय प्रोडक्ट अगेन क्या निकल गया HCl, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये है मिथाइलीन क्लोराइड, कॉमन नाम है, IUPAC हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन एक्सेस में है तो सब्स्टिट्यूशन होता ही रहेगा, CH2Cl2, ये क्लोरीन फिर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन निकालेगा तो बचेगा पहले तो CH2 क्लोरीन थे एक और आ गया CHCl3, बाय प्रोडक्ट में HCl, ये बन गया भैया क्लोरोफॉर्म। सब्स्टिट्यूशन होता ही रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन निकालता रहेगा, तो हाइड्रोजन निकल गया बन गया CCl4 और एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो HCl निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन क्लास 11th में थी, इस नाम से थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, हमने क्लोरीनेशन तो करा दिया लेकिन इसमें क्या बन गया, मिक्सर बन गया, क्या बन गया मिक्सर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि रिएक्शन को यहीं तक स्टॉप मैं करूँ, यानी अगर कन्वर्जन आ जाए भी मीथेन से क्लोरोमीथेन ही बनाना है खाली, ठीक है, तो हम क्या कराएंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को वैसे करा देंगे, इसमें जो हम क्लोरीन है वो हम ले लेंगे लेस अमाउंट में, यही को हम मीथेन जो है वो ले लेंगे एक्सेस अमाउंट में ताकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा बने, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन एक बार और बन जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एल्केन से हेलोइलकेन बनाना है, ऑफकोर्स हेलोइलकेन में हेलोजन एटम होता है तो हेलोजनेशन करा दिया सीधा डायरेक्ट, है सब्स्टिट्यूशन, ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ है बहुत बार, जब तक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में थी, यहाँ पे क्या है क्लोरीन लेस अमाउंट में, इतना फर्क है, ठीक है। तो टॉपिक वही है, एल्केन से हेलोइलकेन बनाना है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करना है बात। अब मान लो मीथेन के बाद अगर मैं ले लेता हूं इथेन,
ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो इथेन का मैं करा रहा हूँ क्लोरीनेशन, वही सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करो। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था हमने क्लास 11 में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। ये है इथेन, इसका कराएंगे सब्स्टिट्यूशन। अब भैया हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, वैसे तो कहीं से भी निकाल लो, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। मान लो मैं इधर से निकाल रहा हूँ CH3 CH2 Cl, हेलोजन आ गया, हाइड्रोजन निकल गया, बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, अगेन HCl, क्या बना, क्लोरो इथेन। तो एल्केन से हेलो एल्केन हम बना सकते हैं, हेलो एल्केन में भी हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, क्लोरो एल्केन। क्लोरीनेशन कराओगे क्लोरोएल्केन बनेगा, ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमो एल्केन बनेगा। यहां तक आके समझ में। अब हम बात करते हैं कि जो हेलोजिनेशन है एल्केन का, वो हम यहां तक ही कराते हैं मिथेन और इथेन तक, इसके बाद हेलोजिनेशन नहीं कराते, सब्स्टिट्यूशन नहीं कराते। रीजन क्या है, रीजन समझो, अगर हम कोई हायर एल्केन लेंगे यानी प्रोपेन या उससे बाद बाद, तो उसमें मिक्सचर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्यों बनने स्टार्ट हो जाएंगे, देखो मान लो हमने ले लिया प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ठीक है भाई। मान लो मैं करा रहा हूँ इसका क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। अब इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, तीन केस है। यहां से निकले चाहे यहां से निकले, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, लेकिन यहां से निकले तो प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। मान लो एक बार यहां से करा दिया तो क्या बना बताओ, CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन गया 1-chloropropane, ठीक है। और अगर दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलता तो ये बनता 2-chloropropane, उधर से निकालते तो वही बनता 1-chloropropane, जो कि है ही। तो सब्स्टिट्यूशन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना दो, बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, अगेन HCl। ये बन गया 1-chloropropane, ये बन गया 2-chloropropane। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो हम बात कर रहे थे कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो कि हम डायरेक्ट कराते हैं एल्केन्स में, और एल्केन्स में मिथेन और इथेन तक ही कराते हैं, क्योंकि इथेन के बाद मान लो हम प्रोपेन या कोई हायर एल्केन लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी हो सकता है, उसके हिसाब से मिक्सचर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितने मिक्सचर बनेंगे, जितने उसके आइसोमर्स पॉसिबल है। मान लो मैं करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन प्रोपेन का CH3 CH2 CH3, मान लो मैं इसका करा रहा हूँ क्लोरीनेशन, सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों पे कहीं भी हो सकता है, होने पे इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। इसमें दो प्रोडक्ट मैंने अभी बताए थे तुम्हें, क्या बनेंगे, एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl और दूसरा CH3 Cl CH3, दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो मिक्सर बन गया ना, तो जिसमें मिक्सर बन जाता वो कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि मिक्सर में क्या है कि जो यील्ड है, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो वो कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो हायर एल्केन का हम हेलोजिनेशन नहीं कराएंगे, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अब बात करते हैं हम फ्लोरीनेशन और आयोडिनेशन की, पहले आयोडिनेशन की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट आयोडिनेशन भी हम नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं उसका रीजन सुने, क्योंकि जो डायरेक्ट आयोडिनेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे मान लो आपने एल्केन ले लिया मिथेन और इसका आप करा रहे हो आयोडिनेशन, ऑफ कोर्स किसकी प्रेजेंस में, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करो एट वेरी हाई टेंपरेचर। इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा था 11th क्लास में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, क्लोरीनेशन और मिथेन हमने पढ़ा था 11th में। तो सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन निकला और आ गया आयोडीन, बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया HI। अब सबको पता है जो HI है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करा के दोबारा से एल्केन बना देगा, ठीक है। अब इधर से हम मिथेन से तो आयोडोमिथेन बना रहे हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करा के दोबारा से क्या बना रहा है, मिथेन। तो ये रिएक्शन कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि हम मिथेन से आयोडोमिथेन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इनडायरेक्टली बनाएंगे भाई। इसमें एक नेम रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन, जो मैंने क्लास 11 में तुम्हें पढ़ाई थी,
ठीक है, मिथेन से हाइड्रोमिथेन कैसे बनाना है, दो दो ही सबसे पहले वही है कि तुम्हें मिथेन का या तो क्लोरिनेशन करना है या ब्रोमिनेशन, क्योंकि वो तो हम करा सकते हैं डायरेक्टली। सपोज हमने करा दिया इसका क्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, एक आ गया और बाय प्रोडक्ट निकल गया HCl, क्या बन गया क्लोरोमिथेन। ये तो कंफर्म है, अगर क्लोरिनेशन कराओगे तो क्लोरोमिथेन बनेगा, ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमोमिथेन, और दोनों डायरेक्ट हम करा सकते हैं। तो किसी भी क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन से अगर हमें हाइड्रो एल्केन बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो क्या थी, या आपको सोडियम आयोडाइड लेना है, आयोडो बनाना है तो आयोडीन वाला रिएजेंट चाहिए, और ज्यादातर रिएजेंट हम सोडियम पोटेशियम के ही लेते हैं, या तो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड एक्वस। एसीटोन की प्रेजेंस में आपको करना है हीट, इस रिएक्शन में क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, आयोडीन यहाँ क्लोरीन यहाँ, तो क्या बन गया इसमें बताओ, बन गया आयोडो एल्केन, और बाय प्रोडक्ट निकल गया NaCl। तो दिस इज हाउ आयोडो एल्केन कैन बी फॉर्म। तो इनडायरेक्ट बनाना मिथेन से हाइड्रोमिथेन, डायरेक्ट तो नहीं बना, आपने पहले क्या बनाया, या तो आप क्लोरोएल्केन बनाना है या ब्रोमोएल्केन, तो हमने क्लोरोएल्केन बना लिया, उसको सोडियम हाइड्राइड के साथ एसीटोन एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करना है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये यहां से लेके यहां तक जो रिएक्शन बनती है ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोएल्केन की प्रिपरेशन है, इधर फ्रॉम क्लोरोएल्केन और फ्रॉम ब्रोमोएल्केन। मान लो यार ब्रोमिनेशन करा के मैं ब्रोमोएल्केन बनाता हूं, तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, NaBr, नहीं फर्क है, ठीक है। तो हाइड्रोएल्केन किससे बनता है, क्लोरो या ब्रोमोएल्केन से ही बनता है इनडायरेक्टली, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है काफी टाइम से, कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट हाइड्रोएल्केन बना दें मिथेन से। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है अगर ये रिवर्सिबल है, अगर ये रिएक्शन में मैं कुछ ऐसा कुछ ऐड कर दूं ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना रहे, तो हो सकता है डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा तुम्हें, इस रिएक्शन को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में तुम्हें कराना पड़ेगा इस रिएक्शन, ठीक है, वही हीट कर दो। क्यों भाई, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट को इनएक्टिव कर दें यानी खत्म कर दें, या इसको रिएक्ट करा दें किसी चीज के साथ ताकि ये इसको रिड्यूस ही ना करा पाए, तो रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी नहीं। तो रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के भी डायरेक्ट आयोडीनेशन वैसे करा सकते हैं, ये एक कंडीशन है। अदरवाइज जो बढ़िया मेथड है वो फिंकलस्टीन वाला है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा एक तरीके से, जो प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है। तो बेटर है कि अगर हाइड्रोएल्केन बनाना है तो क्लोरो या ब्रोमो से बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन तुम इसको बना सकते हो, समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्लोरिनेशन की, फ्लोरिनेशन भी डायरेक्ट नहीं होता है भाई, बता देता हूँ तुम्हें क्यों नहीं होता, क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट है। फ्लोरीन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन एंड विच इज अ वायलेंट रिएक्शन, तो उसको प्रैक्टिकली नहीं कराते। तो क्वेश्चन वही बनेगा, सवाल वही कि एल्केन से फिर फ्लोरो एल्केन हम कैसे बनाएंगे। मान लो एल्केन हमने ले लिया, इस बार इथेन, एल्केन से मीथेन इथेन तक ही लेना है, ध्यान रखना। मान लो आपने ले लिया इथेन, अगर फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करा सकते तो भैया फिर फ्लोरो एल्केन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन। एक रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी 11th में, स्वार्ट्स, वो यूज करेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या थी, वो भी यही कहती है कि भाई पहले एल्केन से या तो डायरेक्ट क्लोरिनेशन करा के क्लोरोएल्केन बना लो, या ब्रोमिनेशन करा के ब्रोमोएल्केन बना लो, क्योंकि इन दोनों से ही बनेंगे। तो मान लो इस बार मैंने करा दिया इसका ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूशन होगा, HBr निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है उसकी जगह आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन गया है ना यहाँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक बीआर यहाँ से बचा, तो HBr बाय प्रोडक्ट बन गया ब्रोमोएल्केन, बन गया ब्रोमोएल्केन ये ना। तो इससे फ्लोरोएल्केन कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स आयोडो बनाया था तो हमने आयोडीन वाला रिएजेंट लिया था, फ्लोरो बनाना है तो फ्लोरीन वाला रिएजेंट लेंगे, फ्लोरीन वाला रिएजेंट हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे सिल्वर फ्लोराइड, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन होगी, इसमें भी वही होगा हैलोजन एक्सचेंज, फ्लोरीन ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन फ्लोरीन की जगह, जैसे उसमें हैलोजन एक्सचेंज हुए थे।
तो इसमें बाय प्रोडक्ट तो निकल जाएगा भाई AgBr, और बन गया तुम्हारा फ्लोरोएल्केन CH3 CH2 F। तो इथेन था ये, कन्वर्जन भी हो गया तुम्हारा। इथेन से पहले तुमने बनाया ब्रोमोइथेन, डायरेक्ट होता ही है ब्रोमिनेशन, और इससे हमने क्या बनाया फ्लोरो इथेन। समझ आ गया? चलो ठीक है, तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका। अच्छा, इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप जो रिएजेंट ले रहे हो क्लोरोब्रोमो से ही बना रहे हो आप फ्लोरो। जैसे क्लोरोब्रोमो से हाइड्रो बनाया तो फिंकलस्टीन, फ्लोरो बनाया तो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसमें जो फ्लोराइड्स हैं, जैसे आपने सिल्वर फ्लोराइड लिया है यहाँ पे, आप इसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कोई भी ले सकते हो। इनऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन कंटेन नहीं करता, जैसे आप ले सकते हो सिल्वर फ्लोराइड AgF, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड और Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं इसको। रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पे। समझ आ गया? तो ये थी प्रिपरेशंस हेलोल्केन की फ्रॉम एल्केन की। एल्केन से कैसे बनाएंगे भाई? हेलोजिनेशन कराना है, एक ही वीडियो में बता दिया। ठीक है, सबसे फास्ट फ्लोरिनेशन, फिर स्लो क्लोरिनेशन, प्रोपिनेशन, उससे स्लो आयोडिनेशन। है तो स्लो लेकिन रिवर्सिबल है। ठीक है, डायरेक्ट आयोडिनेशन नहीं, डायरेक्ट तुम्हें क्या कराना है? सिर्फ क्लोरिनेशन और प्रोपिनेशन। समझ आ गया? अब आज की लास्ट रिएक्शन कि एल्कीन और एल्काइन से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से इसको करते हैं कवर। हेलोल्केन बनाएंगे हम दूसरी, इसमें हाइड्रोकार्बन चल रहा है तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन हो गया। अब हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन से, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। कैसे? ऑफ कोर्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें एडिशन रिएक्शन चलती है, मैंने लैब में बताया था। बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स ऐड करनी है। हेलोजन एसिड्स तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, H6, यानी X हो गया हेलोजन, H हो गया हाइड्रोजन, HF, HCl, HI, HBO। ठीक है, क्या करना है? मान लो आपने एल्कीन लिया, एल्कीन लिया मान लो सिमेट्रिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है। इसमें आपने ऐड किया हेलोजन एसिड, मान लो ले लिया HCl। ठीक है, ऑफ कोर्स एडिशन होगा, एडिशन रिएक्शन चलती है मल्टीपल बॉन्ड्स में। डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल रह गया, एक बॉन्ड टूट गया तो एक वैलेंसी इसकी कम होगी, एक इसकी, तो एक एटम इससे जुड़ जाएगा, एक एटम इससे। कौन किससे? कोई भी किससे जोड़ लो, सिमेट्रिकल है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मान लो हाइड्रोजन जुड़ गया इससे, क्लोरीन जुड़ गया इससे, तो ये बना CH3 CH2 Cl। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज व्हाट, क्लोरो इथेन। ठीक है, हेलोल्केन बन गया इससे, इथेन से। क्लियर? अब मान लो अगर हम एल्कीन ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हेलोजन एसिड ले लिया मैंने, मान लो HBr, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डिफरेंस की वजह से ब्रोमीन होगा और ज्यादा नेगेटिव ये होगा, लेस नेगेटिव। डबल बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन से एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो जाएगी, एक इसकी, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए एक एटम इससे जोड़ना है, एक इससे। कौन सा इससे? क्वेश्चन ये ये तो है नहीं कोई कोई भी किसी से जोड़ दो तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा हर बार, नहीं। तो इसमें जो एडिशन है वो होगी मार्कोनीज एडिशन। तुमने पढ़ा होगा मार्कोनीज रूल, जो क्या कहता था कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल है ना क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट है, इधर एक इधर दो, तो जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड ऐड करते हैं तो एडिशन हमेशा इस तरीके से होती है, डबल बॉन्ड उठेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्डेड, मतलब उस कार्बन एटम से जिसके पास हाइड्रोजन होंगे कम। वैसे भी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कम। और पॉजिटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन होंगे ज्यादा, इसके पास दो है ज्यादा, इसके पास एक है कम, तो नेगेटिव जुड़ेगा कम वाले से, उस कार्बन एटम से जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन है ज्यादा। तो जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया, बहुत आसान है। CH3 CH BR सिंगल बॉन्ड CH3।
तो ये बन गया इसकी नेमिंग करेंगे, तो ये हो गया 2-bromo-propane। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को करा दूं ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो मैंने अगेन प्रोपेन ले लिया जो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हैलोजन एसिड भी मैंने सेम लिया HBr, लेकिन बस फर्क इतना है कि रिएक्शन को कैरी करा दिया किसी परोक्साइड की प्रेजेंस में। परोक्साइड जैसे बेंजोइल परोक्साइड, तुमने मैकेनिज्म पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिस का, ऑफ कोर्स सबको पता है इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिस एडिशन होगी, जो कि क्या बोलता था उल्टा डबल बॉन्ड टूटेगा, इस बार नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा वाले से और पॉजिटिव जुड़ेगा कम वाले से, सबको याद ही होगा। तो एडिशन हो जाएगा, बनेगा इसमें CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, ये बन गया इस बार क्या 1-bromo-propane। ठीक है, प्रोडक्ट अलग आ गए। देखो एंटी मार्कोनिस की दो कंडीशन मैंने बताई थी क्लास 11th में, एक तो हैलोजन एसिड मस्ट बी HBr और दूसरा रिएक्शन को हम किसी परोक्साइड के प्रेजेंस में कैरी करें। HBr का ही केस स्पेशल क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि एंटी मार्कोनिस का जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो चेन प्रोपगेशन जो स्टेप है उसमें जो 2 स्टेप्स होते हैं HBr के केस में, वो दोनों स्टेप होते हैं एक्सोथर्मिक, और बाकी हैलोजन एसिड के केस में एक एक्सो और एक एंडो। तो HBr का केस होता है डिफरेंट, लेकिन परोक्साइड भी होना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम इसको परोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, खराश इफेक्ट। ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ आ गया, तो कोई भी एल्कीन ले लो उसमें हैलोजन एसिड ऐड करना है, मोनो हैलोजन बनेगा। बस ये देख लेना कि मार्कोनिस एडिशन होगी या एंटी मार्कोनिस। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। ठीक है, अगर हम एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में भाई एडिशन होगा 2 बार, सबको पता है, क्योंकि पहले ट्रिपल टूटेगा डबल रहेगा, फिर डबल टूटेगा सिंगल रहेगा, तो 2 बार एडिशन होगा। तो इसका मतलब डाई हैलोजन बनेगा, इसमें बना था मोनो हैलोजन। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया प्रोपाइन, इस बार अपने एल्काइन लिया, हैलोजन एसिड अपने ऐड कर दिया HBr, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंस की वजह से पोलर तो है, ऑफ कोर्स कौन सी एडिशन होगी, मार्कोनिस एडिशन, क्योंकि एब्सेंस ऑफ परोक्साइड है, ट्रिपल टूटेगा नेगेटिव वाला कम वाले के साथ, पॉजिटिव वाला ज्यादा वाले के साथ। तो ये बन गया CH3CBr डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल टूट के डबल रह गया, एक बार और ऐड हो जाएगा क्योंकि अब ये एल्कीन की तरह बिहेव कर रहा है, डबल टूटेगा वही नेगेटिव वाला कम वाले से, पॉजिटिव वाला ज्यादा वाले से। तो ये बन गया CH3CBr और CH3। ठीक है, इसकी नेमिंग हो गई 2-2-dibromo-propane। वैसे तो ये एक डाई हैलोजन है, कौन सा है ये, जेमिनल, इसको हम पढ़ते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल पोजीशन बताई थी, अगर सेम कार्बन पे दो हैलोजन है तो उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशन, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन आते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल पोजीशन। तो डाई हैलोजन बनेगा, एल्कीन से बनेगा मोनो हैलोजन और एल्काइन से बनेगा डाई हैलोजन। तो 2 प्रिपरेशन आज हमने पढ़ ली है हैलोजन की, एक तो एल्कोहल से जिसमें 3 रिएक्शन पड़ी, एक हमने पढ़ी हाइड्रोकार्बन से जिसमें हमने एल्कीन एल्कीन और एल्काइन से पढ़ा। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट सारा क्लास 11th का है, कोई नया पार्ट नहीं है, उसको रिवाइज कर लो और पहले वाली रिएक्शंस को लर्न कर लेना, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।